हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज एंड मिस्ट्रीज। मैं हूँ आपका दोस्त बिजेश। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने मेरे स्टोरी के पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें, वरना शायद आपको आगे की स्टोरी समझ में ना आए। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी सीक्रेट द हिडन होम पार्ट 3 एपिसोड 10। प्लीज सीट, बोलिए क्या काम है। पहले मैं आपको हम लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मैं हूँ एलेक्स, ये है रॉबर्ट और ये है बैलन। तो हम लोग यहाँ पर द सीक्रेट इस बुक की पहली सॉल्व करते हुए पहुँचे हैं। अरे मैंने ही तो ये बुक लिखी है। हाँ मैं ही रोहिणी हूँ। अरे वाह, तो बोलो आप लोगों को ये बुक कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। इस बुक में तो ये भी लिखा था कि जो ये पहली सॉल्व करेगा उसको हीरा मिलेगा। पहले बोलिए तो क्या लेंगे। मैं तो वो हीरा लूंगा। बोला ना हीरे मिल जाएंगे, लेकिन पहले बताइए क्या लेंगे। आप जो भी देंगे हम खा लेंगे। ओके। आप मुझे समझदार लगते हो। कुछ खाने के बाद। तो बोलिए खाना कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अब तो सब खाना पीना हो गया, अब बताइए कि वो हीरा कब मिलेगा। लेकिन मेरे पास तो हीरे नहीं है। क्या, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कहाँ है। अरे चिंता मत करो, कल तक वो हीरे मेरे पास आ जाएंगे। तो ठीक है, लेकिन कल तक हम लोग क्या करें। अगर हम लोग यहाँ से चले भी गए तो पता नहीं कब बस मिलेगी, कितने दिनों बाद आना पड़ेगा। अरे चिंता मत करो, मेरे घर के ऊपर में एक रूम है, आप लोग चाहे तो आज उसमें रुक सकते हैं। मुझे चलेगा, तुम लोग क्या कहते हो दोस्तों। हाँ हाँ जरूर चलेगा, मुझे चलेगा। अगर तुम दोनों तैयार हो तो ठीक है चलेगा। स्कूल आफ्टरनून। अच्छा हुआ कि बच्चों के गर्मियों की छुट्टियां चालू हो गई, मेरा बहुत काम कम हो गया। चलो अच्छा हुआ आज का काम जल्दी खत्म हो गया। अभी जल्दी से ड्रॉर से गाड़ी की चाबी लेकर घर चलती हूँ। जैसे ही वो वहाँ पर अपना गाड़ी का चाबी लेने जाती है, वैसे ही उसको द सीक्रेट की वो नकली बुक दिखती है। अरे ये बुक तो मुझे पुराने दिनों की याद दिलाती है। अरे ये क्या, ये बुक तो नकली है, इसमें तो वो फूल वाला साइन है ही नहीं, यानी कि ये बुक नकली है। लेकिन ये नकली बुक किसने रखी। याद आया, एलेक्स बैलन और रॉबर्ट ने कुछ महीने पहले मेरे से ये बुक मांगी थी, शायद उन्होंने ये नकली बुक रखी होगी। अभी जाकर उनकी खबर लेती हूँ। वो उनके घर की ओर जाती है। अरे ये क्या, घर पे तो कोई नहीं है, घर तो बंद है। जाकर मिस ग्रीन से पूछती हूँ। गुड आफ्टरनून रीना मैम। गुड आफ्टरनून, क्या तुम्हें पता है एलेक्स और उसके दोस्त कहाँ गए। वो तो नहीं पता, उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो तुमने उनसे पूछा क्यों नहीं, वो लोग कहाँ गए हैं। मुझे लगा कि गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है इसलिए कहीं घूमने गए होंगे। ठीक है जाओ, जाके अपना काम करो। पता नहीं उन लोग कहाँ गए होंगे, कहीं उन लोग उस बुक की पहेली को सॉल्व करते हुए वहाँ तो नहीं चले गए। तब तो उनको बहुत खतरा है, मुझे अभी वहाँ पर जाना होगा। तो आपने देखा प्रिंसिपल आखिर क्यों परेशान हो रही है, कि वो सोच रही है कि वहाँ पर उन लोगों को खतरा है, क्यों वो इतना परेशान हो रही है, ये सब हम लोग जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।